सहजानंद स्वामी महाराज ने जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय, गुरु हरि शास्त्र जी महाराज ने जय, गुरु हरि योगी जी महाराज ने जय, प्रगट गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज ने जय, आत्मीय समाज ने जय, आत्मीय युवा महोत्सव ने जय जय जय, गुरु हरि ना दासानुदास थवानी जय जय जय। मानव इतिहास के सुवर्ण पन्नों पर जो लिखा जाने वाला है, और न भूतो न भविष्यति, ऐसे इस आत्मीय युवा महोत्सव के शुभ और महामंगलकारी अवसर पर आप सबके चरणों में वंदन करते हुए दास के दास का अंतर का जय स्वामीनारायण। आपके लौकिक शरीर की देखभाल सेवा के हेतु भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और अवतार पुरुषों ने एक माता का सृजन किया। एक ऐसी माता जो प्रेम और वात्सल्य से परिपूर्ण है, उसी प्रकार भगवान ने हमारी आत्मा की रक्षण हेतु, उसके पोषण हेतु और उसके परम उद्धार हेतु ब्रह्म स्वरूप ऐसे प्रगट संत के द्वारा हम इस धरती पर अखंडित रहेंगे, इस भावना के साथ भगवान धरती पर पधारे। वो भगवान और संत के बीच की एकात्मता कि वो संत भगवान तो नहीं, पर उस संत के अंदर भगवान सांगोपान विराजमान है, उस संत के अंदर श्री हरि का सम्यक वास है। आज स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है कि जिस राम को हनुमान मिले, राम और हनुमान जी उनकी जो एकात्मता कि राम जी और रावण के बीच में हनुमान जी एक माध्यम बने, राम और विभीषण जी के बीच में हनुमान जी एक सेतु बने, और हनुमान जी ने दोनों को एक बात कही कि अगर आपको भगवान की शरण में आना है तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी, भगवान की प्रेम का अगर आपको एक एहसास हुआ तो भगवान की चाहना के आप पात्र बनेंगे। विभीषण जी तो इस बात को समझ गए, पर रावण जी ना समझ पाए। विभीषण लंकेश बने और रावण जी का वध हुआ। इस अवसर पर विभीषण ने हनुमान जी को संत की पदवी दी और उन्होंने कहा कि बिन राम कृपा तो हनुमान का हमें संग न मिलता, और अगर हनुमान जी की हमें संग न मिलती तो राम की महिमा कहाँ समझ में आती। इसीलिए तो कहा गया है कि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। 239 वर्ष पूर्व परात्पर पुरुषोत्तम नारायण चिंतामणि तुल्य दिव्य मूर्ति ऐसे विभू भगवान स्वामी नारायण इस धरती पर पधारे और उन्होंने सारे युवकों को, अपने बालकों को एक वरदान दिया कि यावत चंद्रो दिवा करो, इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य और चंद्र की रोशनी जगमगा रही है तब तक कीर्ति कांचन और कामिनी के राग और रस से रहित ऐसे पवित्र और गुणातीत संत के अंदर हम प्रकट रहेंगे। आज उसी प्रणालिका में मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज, गुरु हरि शास्त्र जी महाराज, गुरु हरि योगी जी महाराज और वर्तमान में प्रगट गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज द्वारा भगवान स्वामीनारायण की अस्खलित करुणा का हम भोग ले रहे हैं, उसका हम आनंद ले रहे हैं। देयर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, वन इज सिंपथी एंड द अदर इज एम्पथी। सिंपथी में एक दया का भाव होता है, हर मानव मात्र दूसरे के लिए दया का भाव तो रखता है, सहज है, बट एम्पथी की भावना रखना वो हर किसी के बस की बात नहीं। वो एम्पथी की भावना जिसे हम करुणा कहते हैं वो भगवान और संत के गुण होते हैं। भगवान स्वामीनारायण इस धरती पर पधारे और उन्होंने युवाओं को अपना प्रिय बनाया, अपने युग कार्य को युवा कार्य के रूप में भगवान स्वामीनारायण ने इस धरती पर प्रस्थापित किया। गुरु हरि योगी जी महाराज ने तो कलश चढ़े, ऐसे अनंत युवकों को पवित्र और निर्व्यसनी जीवन जीने के लिए एक आदर्श बनाया, 51 योगेश्वरों की भेंट इस देश को, इस धरा को दी। और स्वामी जी महाराज तो हो, योगी जी महाराज कहते कि युवक तो हमारा हृदय है। स्वामी जी ने कहा, बापा अगर युवक आपका हृदय है तो आप तो मेरे जीवन हो, अगर आप मेरे जीवन हो तो युवक तो मेरा सर्वस्व है। ऐसे स्वामी जी महाराज ने दिवस रात एक करते हुए 55 वर्ष हमें दिए, अपने 86 ईयर्स की उम्र के अंदर भी आज भी स्वामी जी महाराज केवल युवक के बारे में विचार करते हैं। अगर संतो स्वामी दादा को ये कहते हैं कि स्वामी जी लाभ ले लीजिए, स्वामी जी आराम कर लीजिए, स्वामी जी उकाला ले लीजिए, स्वामी जी कहते हैं कि युवक ने उकाला लिया होगा,
मेरा युवक आत्मीय युवा महोत्सव की सेवा में होगा तो आराम कर रहा होगा, मेरा युवक रोज आत्मीय युवा महोत्सव की सेवा में कोई चीज की परवाह किए बगैर अनंत युवकों के घर पर जाके सेवा कर रहा होगा तो आराम कर रहा होगा। एक ऐसे युवक की प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। युवक, गरीब घर का युवक, साधारण ITI के अंदर एडमिशन लेके उसको भी छोड़ के एजुकेशन जीवन में कभी भी आगे नहीं करना इस संकल्प के साथ बढ़ने वाला युवक, साधारण सी एक छोटे से घर में रहने वाला युवक, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के बॉर्डर्स पे रहने वाला युवक कि जहाँ पे लेपर्ड्स तो हर बार कई ना कई बार रातों को विचरण करते हैं, ऐसे जगह रहने वाला युवक कि वीकली फोरम में आने के बाद, आठवाड़िक सभा में आने के बाद हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे यहाँ पे ऐसा प्रसंग है, और उसके जीवन का प्रसंग तो अद्भुत। ऐसे समय में उस युवक ने वीकली फोरम आठवाड़िक सभा ज्वाइन की, धीमे रह के नियमित बना, धीमे रह के प्रिय स्वामी, हरि प्रिय स्वामी, भगवती संतों और मुक्तों के साथ योग बढ़ा, अंदर से निष्ठा बढ़ी, अंदर से निश्चिंता निर्भयता का एहसास हुआ, और वो युवक जो रात को 8:30 से 10:30 की आठवाड़ी सभा में आने को भी डरता था, उसने संकल्प किया कि मैं रात को 12-12 बजे तक भी सेवा करूंगा बट डरूंगा नहीं। और उसको किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि डर निकल गया? उसने कहा, नहीं दादा डर तो नहीं निकला, बट स्वामी जी महाराज ऐसे निर्भय पुरुष मुझे मिले हैं कि मुझे डर की चिंता ही नहीं करनी है, लेपर्ड की चिंता स्वामी जी महाराज करेंगे, मुझे सिर्फ युवक की सेवा में निमित बनना है। और आज भी वो युवक रात को 12 से 1 बजे तक युवकों की सेवा करता है। उसको जब उसके पिताजी ने कहा कि 12वीं का समय आ रहा है, स्वामी जी के कहने से तू पढ़ाई तो करना शुरू कर चुका है बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो मुझे मिले हैं और ये एग्जाम्स में आने वाले हैं, तुझे इसे पढ़ के जाना है। उस युवक ने निश्चय किया कि मैं पढ़ के जाऊंगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम का समय आया उसने एक भी प्रश्न को टच नहीं किया, भगवती को फोन किया कि मुझे ऐसा ऐसा अवसर मिला है मैं क्या करूं। भगवती ने कहा, जगत की मार खा लेना है बट भगवान की मार नहीं खाना, स्वामी दादा की मार नहीं खाना हमें। वो भगत वहां पे गए, उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम दे के घर पे आए, पिताजी ने कहा कितने प्रश्नों को लिया, तो उस युवक ने कहा कि पिताश्री एक भी प्रश्न का उत्तर मैंने देखा नहीं था, प्रश्न तो मैंने देखा ही नहीं था। पिताजी ने जब मार मारना शुरू की तो दो हाथ जोड़ के पिताजी के सामने केवल यही कहा कि हे पिताजी आपके अंदर भी भगवान विराजमान है लेकिन मेरे स्वामी दादा का मार मुझे खाना नहीं है, मुझे भगवान की दुनिया में गुनेगार बनना नहीं है, मुझे एक आदर्श युवक, मुझे एक आदर्श कार्यकर्ता बन के जीवन जीना है। और इस युवानी के साथ हम इस आत्मीय युवा महोत्सव के अंदर आए हैं। बाहर से कितना आडंबर लगता है, सुंदरता, किसी व्यक्ति की वैभव, किसी व्यक्ति का बुद्धि और शक्ति कितना आकर्षित करता है, पर उसके अंदर की जो वेदना, उसके अंदर की तकलीफ को कौन समझता है। ऐसे समय पे ऐसे प्रगट साधु और भगवती संतों की जरूरत पड़ती है। हमारे ऐसे ही एक युवक, बचपन से सिंगल पेरेंट के साथ उनका जिंदगी व्यतीत हो रहा था, पिताश्री को ड्रिंक करने की हैबिट थी, दिवस रात्र घर के अंदर कंकास रहता था, झगड़े चलते थे। उस युवक ने जीवन के अंदर आधार छोड़ दिया था, 10th स्टैंडर्ड में 94% स्कोर करने के बाद भी फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड, उस युवक ने 11th-12th के अंदर आके धीमे धीमे पढ़ाई का आधार छोड़ गया। ऐसे वक्त उसे आठवाड़िक सभा और साप्ताहिक सभा का योग हुआ। उस युवक को धीमे धीमे जीवन में निश्चय हुआ। जिस युवक को ऐसा लग रहा था कि 12th स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाएगा, उसने कहा कि भगवान स्वामी ने कहा है, स्वामी दादा कहते हैं कि जो युवक युवा सेवा करता है, जो युवक आठवाड़िक सभा भरता है, जो युवक भजन स्वाध्याय करता है और जो युवक अपने भगवती संतों और मुक्तों के सामने खुले दिल से अपनी बातें करता है, उस युवक के जीवन में सूली का दुख भी हो तो कांटे में व्यतीत हो जाता है, तो हे युवक चिंता करने की बात नहीं। उस युवक ने पढ़ाई की, उस युवक ने सेवा शुरू की, बाल मंडल की सेवा से शुरू करते हुए धीमे रह के वो युवक आगे बढ़ा। 12वीं के अंदर उस व्यक्ति की और प्रगति हुई और धीमे रह के वो व्यक्ति इंजीनियरिंग क्लियर करके मैकेनिकल से कंप्यूटर्स की तरफ उसका प्रस्थान हुआ। गेट के एग्जामिनेशन के अंदर ही वॉज द ओनली पर्सन टू क्वालिफाई एंड टूडे ही इज डूइंग IIT फ्रॉम गोवा। उस युवक को अगर पूछो कि आठवाड़िक सभा ने आपको क्या दिया, उस युवक के जीवन के अंदर सिर्फ एक ही भावना उतरती है कि मेरे माता की परिश्रम का जो भोग था, मेरी माता की परिश्रम का जो फल था, वो मुझे आठवाड़िक सभा ने दिया। मैं एक माँ ने मुझे जो पाला, आज मुझे अनंत माओ का योग हुआ, अनंत संतों के द्वारा भगवान स्वामी ने मेरा संभाल रखा। तो आज स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दो ही बात करके मेरी सेवा पूरी करूंगा। आज के युवाओं को एक बहुत बड़ा शौक है और वो शौक कुछ देर में वो लोग समझ जाएंगे, बट जब जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप सोलो जाओ, चाहे आप डुओ जाओ, चाहे आप स्क्वाड जाओ।
और हमेशा मन में एक ही भावना आती है कि एनिमीज अहेड। और जब जब आपको लगे कि एनिमी इज अहेड, तो हमेशा ख्याल रखना कि साक्षी भावे हरिप्रसाद स्वामी महाराज, भगवान स्वामीनारायण हमारे साथ हैं और वो हमेशा हमें कहते हैं कि प्रस्थान करो, आगे बढ़ो, आई हैव गॉट सप्लाइज, यू नीड नॉट वरी, लेट एनी अमाउंट ऑफ एम्बुश कम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम देयर विद यू। और गालिब को किसी ने पूछा कि हे गालिब कैसे हो, गालिब ने कहा सुनो, जिंदगी में गम है, उस गम में दर्द है, दर्द में तो जो मजा है और उस मजे में हम हैं। अरे कोई सहजानंद स्वामी महाराज के इस सहजानंदी सेना के युवानों से तो पूछो कि कैसे हो, तो सहजानंदी सेना के इन युवानों को पूछोगे कि कैसे हो, तो वो कहेंगे कि जिंदगी में तो संत हैं, उस संत के अंदर भगवंत हैं, उन दोनों की शरण में आके अब ना तो कोई द्वंद है ना माया की दुर्गंध है, अब बस रहना है दास का दास बनकर, यही उनके पुनीत चरणों में सौगंध है, यही उनके पुनीत चरणों में सौगंध है, यही उनके पुनीत चरणों में सौगंध है। इसी प्रार्थना के साथ भगवान संतों और भगवती के चरणों में अंतर का जय स्वामीनारायण।